नमस्कार साथियों, मैं मुमरा और थाना और महाराष्ट्र के सभी रिक्शा चालक मालक, टेम्पो ड्राइवर, टेम्पो मालक, ट्रक मालक, बस मालक, इन सबको ये खुशखबरी देना चाहूँगा कि कई दिनों के अनथक प्रयास के बाद कोंकण महासंघ, हिंदू से यूनियन थाना और मुमरा की ऑटो रिक्शा यूनियन, लगभग 4 से 5 यूनियन है जिसके अंदर न्यू ऑटो रिक्शा यूनियन, सहारा ऑटो रिक्शा यूनियन, एक ड्राइवर्स वेलफेयर सोसाइटी, शिवसेना ऑटो रिक्शा यूनियन और संघर्ष ऑटो रिक्शा यूनियन, इन सब लोगों ने इस बढ़ते हुए 50 रुपये फाइन के लिए इस आंदोलन में बराबर का साथ दिया, तो आज इन सब की कोशिशें कामयाब हो गई और महाराष्ट्र सरकार ने आज सदन में फैसला लिया है कि इस कानून पे अभी इस आदेश के ऊपर इन लोगों ने स्टे लगा दिया, स्थगति दे दी 3 महीने। अभी आप लोगों को जो 50 रुपया फाइन पासिंग, लेट पासिंग का जो फाइन लग रहा था, वो फाइन कल से नहीं देना पड़ेगा, इस पर स्टे लग गया है 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव के बाद में जो भी नई सरकार आएगी वो जो निर्णय लेगी उसके ऊपर है। जब तक कोई नया निर्णय नहीं आएगा, जब तक आप लोगों पे पासिंग का फाइन नहीं लिया जाएगा, ये आप लोगों को सूचित किया जाता है कि इन 3 महीनों के अंदर आप फटाफट अपनी गाड़ियों की पासिंग करवा लें जितना जल्द हो सके। पुराना कोई फाइन आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो रूटीन जैसे पासिंग होती थी, सामान्य पासिंग, वही पासिंग आपकी होगी। आप पिछले 2 साल का, 4 साल का कोई फाइन देने की ज़रूरत नहीं है। और जितना जल्द हो सके इस फाइन का फ़ायदा, इस फाइन की योजना का फ़ायदा आप उठा लो, ये मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा। और सभी, मैं सभी यूनियन वालों को धन्यवाद दूँगा जिन्होंने इस बढ़ते हुए दाम और ये तानाशाही के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। पूरे महाराष्ट्र के सभी यूनियन का मैं आभारी हूँ जिन लोगों ने इस काम में बिल्कुल शाना बशाना खड़े रह के मदद की। आप सभी यूनियन वालों का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ऑटो रिक्शा, टैक्सी आदि वाहनांच्या संदर्भामध्ये वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणास विलंब झाल्यास प्रतिदिन ₹50 एवढे विलंब शुल्क आकारण्यात येत होतं। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक दिवसाला 50 रुपयाचा विलंब शुल्क, यामुळे मिळून होणारी जी मोठी रक्कम व्हायची ती रक्कम आम्हाला भरणं शक्य नाही, अशा प्रकारची मागणी संपूर्ण महाराष्ट्रातून रिक्षा टॅक्सी चालक यांच्या माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे करण्यात आली। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या संदर्भातला सहानुभूतीने विचार करून संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या ऑटो रिक्षा टॅक्सी चालक संघटनेचं जे काही निवेदन होतं त्या निवेदनाची गंभीरपणे दखल घेऊन येणाऱ्या काळामध्ये हे 50 रुपये प्रतिदिन विलंब शुल्क आजपासून रद्द करण्याचा निर्णय त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। अध्यक्ष महोदय, ऑटो रिक्षा टॅक्सी चालक संघटना तसेच विविध परिवहन संवर्गातील वाहनधारकांच्या संघटना यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त शुल्काच्या बाबतीत निवेदन प्राप्त झालेली होती। मोटार वाहन नियमातील राज्य शासनास प्राप्त अधिकाराच्या आधारे विलंब शुल्काबाबत वाहनधारकांना दिलासा देता येईल का, याबाबत कायदेशीर बाबींची तपासणी करण्यात आलेली होती आणि याच्यासाठी लागणारा कालावधी, योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी येणाऱ्या 15 वर्षाच्या आतील सर्व परिवहन वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणास विलंब झाल्याच्या नंतर प्रतिदिन 50 रुपये जे काही विलंब शुल्क आकारण्याचा निर्णय होता, पुढचे आदेश येईपर्यंत याला स्थगिती देण्याचा निर्णय